मेरे पास एक गॉड गिफ्ट है, आई कैन सी डेड पीपल। मेरा बचपन यहाँ बीता, अब यहाँ कोई नहीं आता। तुम्हें लगता है उस कमरे को खोलने की गलती कोई करेगा? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे अंदर सिक्स सेंस है? अब सभी लोगों ने कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 मूवी तो देख ली होगी और सभी सोच रहे थे कि कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार की जगह नहीं ले पाएंगे, लेकिन कार्तिक आर्यन ने इस बात को गलत साबित कर दिया है और इनकी भूल भुलैया 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। अब मेकर्स की तरफ से फिल्म को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। मेकर्स का कहना है कि बहुत ही जल्द हमें इसका थर्ड पार्ट भी देखने को मिलने वाला है। भूल भुलैया के दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी को देखते हुए मेकर्स इसके थर्ड पार्ट पर बहुत ही जल्द काम शुरू करने वाले हैं। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताया कि भूल भुलैया के पार्ट 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और लोगों से इसे अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए हम बहुत ही जल्द इसके थर्ड पार्ट पर काम करना शुरू कर देंगे और इसका यह थर्ड पार्ट इसकी पिछली दोनों फिल्मों से काफी बड़ी लेवल की फिल्म होने वाली है। भूषण कुमार ने यह भी बताया कि भूल भुलैया के थर्ड पार्ट में हमें कार्तिक आर्यन ही लीड रोल में देखने को मिलेंगे। अब देखना यह होगा कि कार्तिक आर्यन के साथ बाकी के कलाकारों की भी वापसी इसके थर्ड पार्ट में होती है या नहीं। और जब से लोगों को इसके थर्ड पार्ट की न्यूज मिली है, लोगों में इसके लिए अलग ही एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, पर अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भूल भुलैया के थर्ड पार्ट को वही डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने इसके सेकंड पार्ट को डायरेक्ट किया था। भूल भुलैया के सेकंड पार्ट को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था, पर जहां तक हमें लगता है फिल्म डायरेक्टर की कोई चेंजिंग नहीं होगी। भूल भुलैया के थर्ड पार्ट को भी अनीस बज्मी ही डायरेक्ट करेंगे, पर ये तो आने वाला समय बताएगा। सभी लोगों को भूल भुलैया का सेकंड पार्ट काफी पसंद आया था, तभी तो फिल्म के कास्टिंग के चेंज होने के बाद भी इसके सेकंड पार्ट को बहुत प्यार मिला था। फिल्म के रिलीज होने से पहले सभी लोग कह रहे थे कि फिल्म में अक्षय कुमार को ना लेकर मेकर्स ने बड़ी गलती कर दी है, पर कार्तिक आर्यन ने इन सभी बातों को गलत साबित कर दिया क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों से बहुत प्यार मिला। अब देखना यह होगा कि इसके थर्ड पार्ट को भी लोग उतना ही प्यार देते हैं कि नहीं। और जब से इसके थर्ड पार्ट की अनाउंसमेंट हुई है, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि भूल भुलैया का थर्ड पार्ट हमें कब देखने को मिलेगा। अब मेकर्स ने इसकी कोई ऐसे रिलीज डेट तो नहीं दी है, पर मेकर्स कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू हो जाएगी और स्क्रिप्ट राइटिंग कम्प्लीट होने के बाद फिल्म की कास्टिंग को डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद 2024 तक फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके बाद ये फिल्म हमें 2025 के मिड तक देखने को मिल सकती है। भूल भुलैया के थर्ड पार्ट के लिए हमें अभी लगभग 1.5 से 2 साल या उससे थोड़ा और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। भूल भुलैया के थर्ड पार्ट से पहले कार्तिक आर्यन हमें भूषण कुमार के साथ ही आशिकी 3 में देखने को मिलने वाले हैं और इस फिल्म को 2023 में रिलीज किया जाना है। इसके बाद कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के थर्ड पार्ट की तैयारियों में लग जाएंगे। अब देखना यह होगा कि फिल्म की कहानी किस मोड़ पर जाकर रुकती है। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।